हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी के जो पीएसटी और पीईटी के जो एग्जाम होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्जाम आपका चल रहा है, सीबीटी 1 चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका पीएसटी और पीईटी का एग्जाम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि पीएसटी और पीईटी एग्जाम में आपको क्या क्या आपको मेजरमेंट फॉलो करना पड़ेगा, कितने मीटर की रेस होगी, कितना हाई जंप करना होगा, कितना लॉन्ग जंप करना होगा, उसको पूरे डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम एसएससी जीडी के जो पीएसटी और पीईटी होते हैं उसमें क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। तो क्या बता रहे हैं, एसएससी जीडी के पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और पीईटी होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। जैसा कि मैंने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है, उसके पीएसटी और पीईटी को क्वालिफाई किया है, तो मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप अच्छे से समझ सकें कि पीएसटी और पीईटी में होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं पीएसटी के बारे में, जिसको कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मेल के बारे में बताता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है, अगर वो जनरल या ओबीसी से है, तो उनका हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो वो पीएसटी में क्वालिफाई कर जाएंगे। और चेस्ट का मेजरमेंट आपको बताता हूँ। चेस्ट मेजरमेंट में एक अनएक्सपैंडेड 81 और एक्सपैंडेड 85। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका मेजरमेंट होगा मीटर टेप से, तो सिंपल आपका चेस्ट को मेजर किया जाएगा तो 81 होना चाहिए, और जब आप एयर को इनहेल करेंगे इस तरह से, फिर जो मेजरमेंट होगा वो 85 होना चाहिए। मींस आपका 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, तो आप चेस्ट में भी क्वालिफाई कर जाएगा। अब बात करते हैं एससी का, तो एससी का भी सेम क्राइटेरिया है, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर चेस्ट का बात करें तो अनएक्सपैंडेड मीन सिंपल में आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाय आफ्टर फीलिंग एयर अनएक्सपैंडेड में आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला बात करें एसटी का, तो एसटी का देखते हैं हाइट कुछ कम है, 165 सेंटीमीटर है। बात करें चेस्ट का, तो अनएक्सपैंडेड में 76 होना चाहिए और एक्सपैंडेड में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला बात करते हैं हिली एरियाज में, हिली एरिया में जो लोग रहते हैं उनका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बात करें चेस्ट का, तो चेस्ट अनएक्सपैंडेड में होना चाहिए 76, मींस नॉर्मल आपका 76 होना चाहिए, बट एक्सपैंडेड में आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप देख सकते हैं सब में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, आपका इतना होना चाहिए। अब बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट का अगर बात करें, तो पीएससी में उनका सिर्फ हाइट मेजरमेंट होता है, जनरल और ओबीसी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल में अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप क्वालिफाई कर जाएगा पीएसटी को। एससी और एसटी का अगर 155 सेंटीमीटर है तो आप भी क्वालिफाई कर जाएगा पीएसटी एग्जाम को, और हिली एरियाज में 155 सेंटीमीटर है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएगा पीएसटी को। अब मैं आपको बताता हूं कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पीईटी में आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या तैयारी करनी है आपको पीईटी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पीईटी के बारे में। पीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। पीईटी में हम लोग कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिसे हम लोगों को क्वालिफाई करना है एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं, हम अपना एनालिसिस किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स का मैं बताऊंगा, जिसमें इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन जो है और डिपार्टमेंटल जो है उनके बारे में बताऊंगा, जिनका एज अप टू 31 ईयर्स है, उनका जो 1600 मीटर का रेस जो होगा उसे उन्हें 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अब बात किया जाए लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप आपको 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और हाई जंप है आपका 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप है। बात करें एज का, 31 से 40 ईयर्स के बीच में अगर जिसका एज है उसे 7 मिनट दिया गया है 1600 मीटर रेस कंप्लीट करने के लिए, और लॉन्ग जंप आपको करना है 13 फीट करना है, और हाई जंप का बात करें तो 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना है। फिर जो कैंडिडेट्स का एज 40 इयर्स के अप है या 40 इयर्स है, उसको 1600 मीटर रेस 8 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप का बात करें तो 12 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप आपका 3 फीट 3 इंच है। रेस का बात करें तो रेस में आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, आपको ग्रुप में दोहराया जाएगा, 15 ग्रुप रहेगा, 20 का ग्रुप रहेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा का भी ग्रुप रहे, उसमें आपको क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। आपको इसके लिए सिर्फ एक चांस मिलेगा। आपका जो ग्राउंड होगा 400 मीटर ग्राउंड होगा, उसमें 4 राउंड आपको लगाना पड़ेगा। कितने मिनट्स में ये आपको डिसाइडेड दे दिया गया है, 6 मिनट रहेगा अगर आपका एज 31 तक है, उसके ऊपर का एज है तो 7 मिनट आपको दिया जाएगा, 40 ईयर्स तक है तो 8 मिनट दिया जाएगा। अगर आप
इसे एक मतलब इस निश्चित टाइम में अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपको आगे स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको लॉन्ग जंप होगा आपका, फिर उसके बाद हाई जंप होगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट्स जिनका एज अप टू 31 इयर्स है उन्हें 1600 मीटर रेस के लिए 8 मिनट दिया जाएगा, 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अगर बात करें लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप आपको 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, और हाई जंप का बात करें तो 3 फीट आपको हाई जंप करना है। अब जो भी फीमेल्स है जिनका एज 31 से 35 ईयर्स है उनको 1600 मीटर 9 मिनट में कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करना है और हाई जंप 2 फीट 9 इंच करना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पीएसटी और पीईटी का स्टेजेस जो आपको क्वालिफाई करना होगा आपको एसएससी जीडी में क्वालिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।